हटा हटा हमारे यहाँ दोस्तों इसको नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे करीमनगर से मिला है, जहाँ पर चूरा कूटा जाता है। और दोस्तों जो चाचा जी खड़े, इनके घर में कोई जहरीला सांप दिखा है, अब इन्हीं से पूछते हैं। और बस्ती से दोस्तों करीबन ये 25 से 30 किलोमीटर के दूरी पे पड़ेगा। और सर जी पहले अपना नाम बताएं आप। राम कुमार जैसा। और सांप कहाँ देखे हैं आप? घर के अंदर। कितना टाइम हो गया देखे हुए? तो जहाँ पर सांप आप देखें चलकर हमें बताएं आप। चलिए बताइए, आप आगे चलिए। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यही उनका घर है। और दोस्तों ये करीमनगर चौराहा पड़ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं सांप को देखने के लिए। काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों कि एक बेजुबान को मारा नहीं, बचा लिया। अब चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को निकाल कर दिखाते हैं। थोड़ा साइड ले लो। कहाँ पर देखे हो भैया? ये यहाँ तक हम देखे हैं। हाँ बड़ा ऊपर था, ऊपर चलिए ठीक है, बोरा हटाइए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गल्ला रखा हुआ है, और शायद ये गल्ला हटाया जा रहा था। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूहा का लेड़ी उड़ी सब ज़्यादा पड़ा हुआ है, सरसों वगैरह वगैरह सब यहाँ पर है दोस्तों। और चाहे जो कुछ भी हो, अब तो सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ढेरों सारा गल्ला रखा हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर सांप कहीं देखा गया है। और दोस्तों ये दुकान है ना, किराने का दुकान है दोस्तों, किराने का दुकान है। उसी किराने का दोस्तों गल्ला यहाँ पर गाजा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग, सब लोग देखने के लिए आए हुए थे, सब लोग घर के लोग, गांव के लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अभी दोस्तों इस गल्ले को हटाया जाएगा और फिर सांप को निकाला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं कौन सा सांप है वो। और इनका कहना है दोस्तों यहाँ पर कोने पर दिखा था, उसके बाद में फिर ये नीचे चला गया। अब दोस्तों यहीं कहीं पर होगा, और आप लोग नज़रें जमा के रखिए दोस्तों, और दो चार दस मिनट का हमें वक्त दीजिए, आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं। शटर को खोल दो, शटर को खोल दो, शटर को खोल दो ताकि गल्ला निकल जाए साला। हाँ खोलो भैया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं शटर उठ चुका है। उठाइए उठाइए और उठाइए उठाइए, चलिए गल्ले को फटाफट हटवाइए। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं सांप को देखने के लिए, सब लोग जुटे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को निकाल कर दिखाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बोरी को निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद दोस्तों सांप को अब दिखाया जाएगा। करीबन 30-40 बोरा तो होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप करीब नगर से हमारा वीडियो देख रहे हैं चौराहा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। पकड़ो भाई, निकोबार जाना बाहो। अरे हो जाना बाहो। अरे 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 बाहो। तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब पकड़ा है तो भाला का घर ले गया है।
फटाफट हटाओ इधर देखो आया, हटाओ बोरी हटाओ बोरी हटाओ, इधर ही है, ठीक है नहीं है, हटाओ दोस्तों, हमें सांप दिख चुका है और काफी बड़ा सांप है दोस्तों वो। हटाओ ये बोरी हटाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ कोने में बैठा हुआ है। ये बोरी हटाओ, जल्दी करो यहीं पर बैठा, हटाओ आने दो, उससे आने से क्या होता है। दोस्तों इंडियन रेड स्नेक है, काफ़ी बड़ा सांप है दोस्तों ये, और काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों ये सांप बाहर आया है। देख सकते दोस्तों कितनी संख्या में लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों सांप को। हमारे यहाँ दोस्तों इसको धमिना बोला जाता है, बड़ा पछाड़ किसान मित्र भी बोला जाता है। इंडियन रेड स्नेक है दोस्तों, बिना जहर वाला सांप है ये, इसके काटने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पोस्टर लगा हुआ था, तो इसी पोस्टर के माध्यम से दोस्तों इन्होंने हमारा नंबर लिया और हमारे पास फ़ोन लगाया, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा बगल रहे भाई, बगल लो साइड हो जाओ, रोड थोड़ा खाली कर दो, और दोस्तों बिना समय गंवाए अभी इसको पैक कर देते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है ये, तकरीबन 7 से 8 फुट का है दोस्तों ये, और काफ़ी बड़ा है दोस्तों आप देख सकते हैं। और इसको दोस्तों पकड़ लिया गया है, ये मारत फट से, अच्छा एक बात और हमारी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको ले जाकर जंगल में रिलीज कर देंगे हम। चलिए दोस्तों अब इसको पैक किया जा रहा है, अब चलिए इसको पैक करिए। पकड़ो ना, छोड़ दो, अभी चला जाएगा वो। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं झोरी के अंदर जा नहीं रहा है, ये भी जान रहा है कि हमें गुफा में कैद कर रहे हैं एक दरबा में, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इनको हमने बचा लिया। और दोस्तों चूहा खाने के चक्कर में घरों में ये आ जाते हैं, मेढक चूहा इनका प्रिय भोजन है। चलिए जाइए अंदर जाइए, अब अंदर जाइए आप अपने दरबा में।
और दोस्तों आप देख सकते हैं ये झोरी के अंदर जा चुका है। और दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए। तो भाई साहब ये बताइए, ये इस सांप को हमने तंत्र मंत्र से निकाला या बीन बजा के निकाला है? रियल निकाला है कि मतलब कोई अफवाह फैला के निकाला है? हमने बीन उन तो नहीं बजाया ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर किसी जिंदगी को बचाते हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।